हेलो स्टूडेंट स्टैंडर्ड एट एग्जाम्पल थर्टीन फर्स्ट कर रहे हैं एग्ज़ाम्पल नंबर थर्टीन डिवीज़न करने का बोला है माइनस ट्वेंटी एक्स रिज टू फोर डिवाइड बाय टेन एक्स स्क्वायर तो माइनस ट्वेंटी एक्स एज टू फोर टेन एक्स स्क्वायर तो इसमें भी हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं तो माइनस एक्स एस टू फोर है तो एक्स एस टू फोर माइनस टू तो माइनस टू एक्स स्क्वायर होगा या तो क्या करेंगे दूसरा ट्वेंटी के फैक्टर्स कर देंगे माइनस टू इंटू ट एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर और टेन एक्स स्क्वायर राइट तो टेन एक्स स्क्वायर पूरा कट हो जाएगा तो आंसर आएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर ओके देन सेकेंड वन सेकेंड में क्या दिया है सेकेंड वन वी आर गिवन सेवन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डिवाइड बाय फ़ोटीन एक्स वाई जेड तो सेवन मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स दो बार आएगा तीन बार नहीं तो वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड मल्टीप्लाई जेड फोटीन है तो सेवन टू जा हो जाएगा एक्स इंटू वाई इंटू जेड एक बार है तो सेवन सेवन काट हो जाएगा एक्स वाई जेड का डूगा एक्स वाई जेड तो वन अपॉन टू एक्स वाई जेड क्योंकि एक्स वाई जेड न्यूमरेटर में बचता है टू नीचे बचता है डिनोमेटर में तो वन बाई टू एक्स वाई जेड इज आंसर देन ट्राई दिस कर दें ट्राई दिस ओके नंबर देखा नहीं था नंबर वन ट्वेंटी फोर एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब डिवाइड बाय सिक्स वाई जेड स्क्वायर तो सिक्स के टेबल में फोर आ, ट्वेंटी फोर आएगा सिक्स इंटू फोर एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड अपॉन में सिक्स इंटू वाई पहले तो इसको कैसे लिख देते अपॉन के फॉर्म में लिख देते ट्वेंटी फोर एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब अपॉन सिक्स वाई जेड स्क्वायर तो सिक्स फोर जाओगे ट्वेंटी फोर इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड बाई स्क्वायर है तो दो बार जेड क्यूब है तो तीन बार सिक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड वाई एक बार है जेड दो बार है राइट right स्क्वायर है तो जेड जेड कट हो गया सिक्स कट हो गया वाई कट होगा तो आंसर इज़ फोर एक्स जैड राइट फोर एक्स जेड इज आंसर एक्स वाई जेड इज आंसर ओके फोर एक्स वाई जेड देन सेकंड वन सेकंड में दिया है सिक्सटी थ्री ए स्क्वायर बी रेस टू फोर सी रेस टू सिक्स डिवाइड बाय सेवन ए स्क्वा बी स्क्वायर सी क्यूब तो पहले आप उनके फॉर्म में लिखेंगे ए स्क्वायर बी रेस टू फोर सी रेस टू सिक्स सेवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी क्यूब सेवन नाइन जाओगे सिक्सटी थ्री ए स्क्वायर तो नीचे ए रेज टू फोर है राइट ए स्क्वायर स्क्वायर कट हो जाएगा वो कर देते हैं ए स्क्वायर स्क्वायर कट हो जाता है तो डायरेक्टली कर कट कर देते हैं तो यहाँ पर स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी नेक्स्ट स्टेप में तो बी रेज टू फोर है तो बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर सी रेज टू सिक्स है तो सी क्यूब इंटू सी क्यूब रोपोन में सेवन इंटू बी स्क्वायर इंटू सी क्यूब राइट तो सी क्यूब सी क्यूब कट हो गया बी स्क्वायर बी स्क्वायर कट हो गया सेवन सेवन कट हो गया बचा क्या नाइन बी स्क्वायर बचेगा सी क्यूब बचेगा नाइन बी स्क्वायर सी क्यूब इज आंसर ओके तो इसके बाद वाला पोर्शन हम बाद में करते हैं